हेलो वीवर्स, मेथी दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मेथी ली है। मेथी को अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। मेथी साफ करते समय में मेथी के नरम नरम पत्ते और नरम नरम डंडी लें, बड़ी बड़ी और मोटी डंडियाँ हटा देनी है, नहीं तो मेथी की दाल काफ़ी कड़वी हो जाती है उस वजह से। मेथी को बिल्कुल बारीक काटना है और पानी में डुबो के इनको अच्छे से धो लेना है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर चाहिए दो टमाटर। टमाटरों को अच्छे से बारीक काट लें और साथ ही साथ चाहिए दो हरी मिर्च। यहाँ पे मैं एक कप तुअर दाल ले रही हूँ। तुअर दाल को पहले अच्छे से धो लें। जैसे ही दाल धुल जाती है, इसमें मैं मेथी के पत्ते, धुले हुए मेथी के पत्ते डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेथी नीचे कितनी मट्टी जमी हुई है। अब साथ ही साथ डालें इसमें हरी मिर्च, टमाटर। अगर दाल को स्पाइसी रखना है तो 4 से 5 हरी मिर्च डालें। और अब इसमें डालें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और लगभग 2.5 कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आप चाहें तो 3 कप के आसपास पानी डाल सकते हैं। और अब इसे कुकर में बंद कर मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं। जब तक दाल पकती है, साथ ही साथ हमें तड़का दाल में लगाने के लिए लहसुन, प्याज, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च की ज़रूरत है। लहसुन को काटने के बजाय कूट कर डालिए, इसका अलग ही स्वाद आता है दाल में। अब दाल में तड़का लगाने के लिए लगभग मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून, 2 बड़ी चम्मच तेल लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, साथ ही साथ 1/2 चम्मच राई, उसके बाद जो कुटा हुआ लहसुन है वो डालें और साथ ही साथ कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। इन्हें थोड़ा हल्का सा रोस्ट होने दें, उसके बाद डालें प्याज और हींग। प्याज इन सब को अच्छे से भूनने दें। जब तक भूनता है दाल को देखें, दाल 4-5 सीटी में अच्छे से मैश हो जाती है और थोड़ा सा आप चाहे तो उसे थोड़ा सा और मैश करें। ये मेरी दाल थोड़ी गाढ़ी सी है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाऊंगी बाद में। अब ये प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता सब कुछ अच्छे से भुन चुके हैं। इन्हें अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा स्वाद आता है। जैसे ही ये भुन जाए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। लाल मिर्च पाउडर को ज़्यादा जलाना नहीं है, इमीडिएट लाल मिर्च पाउडर डालते ही उसमें दाल डाल दें। ये दाल रखे रखे थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसके लिए इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। मैं इसमें थोड़ा और पानी मिलाऊंगी, वही सेम कुकर में लगभग 1 कप से कम थोड़ा पानी डालकर वो पानी को थोड़ा बॉईल कर लें, फिर वो पानी को दाल में डाल दें। दाल को स्लो फ्लेम पे थोड़ा और पका लें, जब तक दाल में एक तरह से बॉईल ना आ जाए, खदक नहीं जाए। जैसे ही दाल थोड़ी खदक जाती है, मैं थोड़ा इसमें और नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, साथ ही साथ 1 चम्मच घी और लास्ट में डालें धनिया। और ये दाल, मेथी दाल तैयार हो चुकी है। इसे गरम गरम चावलों के साथ सर्व करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।